हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट स्टॉर्म। माय सेल्फ शीतल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो लास्ट टाइम मैं वीडियो लेके आई थी 19 जुलाई में, जहाँ पे हम चैलेंज कर रहे थे फिलिंग अप माय स्केचबुक विद इन अ मंथ। उसमें मैंने एक हफ्ते की जर्नी उसमें दिखाई थी, एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी आई एम गोइंग टू शो यू गाइस नाउ। सो लेट्स सी हमारी जर्नी कैसी रही स्केचबुक को फिल करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत मैं कर रही हूँ वर्ड ऑफ ऑनर की सबसे प्यारी एंड ऑनरेबल कैरेक्टर से, गु जियांग। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है। शी वॉज सुपर फनी एंड ऑब्वियसली ब्यूटिफुल, एंड द सीरीज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ इन सभी कैरेक्टर को मांगा स्टाइल में बनाने की। आई हैव अ वीडियो आइडिया इन माई हेयर विच आई एम गोइंग टू वर्क ऑन आफ्टर दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉयज ओवर फ्लावर से गमजांदी। ये भी काफ़ी यूनिक कैरेक्टर था सीरीज़ में, एंड आई रियली लव दैट सीरीज एज वेल। मेरा पहला के ड्रामा था बॉयज ओवर फ्लावर्स। सेकेंड आर्ट वर्क कम्प्लीट। बाय द वे, काम मुझे 20 को शुरू करना था पर मैं 24 को शुरू कर रही थी बिकॉज आई एम लेजी। एनी वे, मूविंग ऑन टू द थर्ड कैरेक्टर फ्रॉम द गॉबलिन सीरीज, यंतक। गॉबलिन सीरीज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड अ वेरी ब्यूटिफुल सीरीज। मैंने गॉबलिन सीरीज़ पे पहले भी ड्रॉ किया है कैरेक्टर्स को इन मांगा स्टाइल, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। एनीवे, इट्स 29 जुलाई एंड द थर्ड आर्ट वर्क इज डन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन फ्रॉम द सीरीज 25-21। मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है इसका और मैं आगे देख नहीं पाई क्योंकि इसकी एंडिंग सैड है, बट मे बी आई विल वॉच इट इन द फ्यूचर। सो द फोर्थ आर्ट वर्क इज ऑल्सो डन। Now the fifth artwork is from the series Tempted, again a series जिसका मैंने सिर्फ पहला एपिसोड देखा and I couldn't continue because ये जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने ट्रू ब्यूटी में रोल प्ले किया है एंड शी हैज़ प्लेड सच अ ब्यूटिफुल रोल देयर, एंड हियर शी वॉज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल, सो आई couldn't continue। द नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ artwork is again from True Beauty, the series I just mentioned, जहाँ से मुझे सेकेंड लीड सिंड्रोम शुरू हुआ था। He was the second lead and one of my favorite characters in the series. By the way, क्या आप लोगों को के ड्रामाज देखना पसंद है? आपका पहला के ड्रामा कौन सा था? Do comment down below. Now moving on to the sixth art and the last art of 29th July. अभी भी रात हो चुकी है सुबह से लेकर शाम तक, एंड मैंने इतने ही आर्टवर्क करे हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ मंडाला आर्ट ट्राई। अगर आप इसकी असिमेट्री को इग्नोर कर दे तो इट इज़ अ मंडाला आर्ट। क्या रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं उसे आधा करके छोड़ दिया था। नाउ इट्स द नेक्स्ट डे 30 जुलाई, एंड आई थिंक मैंने अभी तक सिर्फ 6 या 7 आर्ट वर्क करें और आई लाइक द शाइन इन इट। खैर, मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं अब, 30 जुलाई एंड 31 जुलाई, जिसमें मुझे अराउंड 20 आर्ट वर्क करने हैं। लेट्स सी। अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक कैरेक्टर फ्रॉम गेंशन इम्पैक्ट। मैंने बहुत से आर्टिस्ट को बनाते हुए देखा है इसके कैरेक्टर्स को। द कैरेक्टर्स आर रियली ब्यूटीफुल। मुझे गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं है बट स्टिल आई वॉन्ट टू ड्रॉ इट। अभी मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे पास टाइम कम है और मेरे पास एक दिमाग में आइडिया आया था जहाँ पर मुझे आइज एक्सप्रेशन चाहिए थे। इस वीडियो पर भी मैं काम करूँगी आफ्टर दिस वीडियो। So after these eyes, now I am drawing Vanellope from Wreck-It Ralph in glitz style. अब रात हो चुकी है एंड मैंने रैंडमली गूगल से एक ही चाइनीज़ कैरेक्टर उठाया है, मे बी कोई चाइनीज़ मांगा से होगा ये कैरेक्टर। इसे ड्रॉ करने के बाद मुझे समझ नहीं आया था तो मैं सिंचैन का घर बनाने लगी, बट देन इंस्टाग्राम पे मुझे सजेशन आया कि मुझे हिनाटा को बनाना चाहिए, और इसे बनाते हुए मुझे द प्रॉमिस नेवरलैंड की एमा याद आ रही थी। ये लिटरली उसका बड़ा भाई है, बस दूसरी सीरीज़ में काम करता है। उसके बाद मैंने एक और मंडाला आर्ट ट्राई करा। वैसे मैंने एक बाबी का स्केच भी ट्राई करा था बट मैंने वो बिल्कुल ही ख़राब बना लिया था तो मैंने उसे डाला नहीं इस फिल्मिंग में। एनीवे, नेक्स्ट डे द लास्ट डे 31st, मैंने पहले सिंचैन का घर कम्प्लीट किया। उसके बाद मैंने डिज्नी कैरेक्टर्स बनाने शुरू किए। सबसे पहला जो कैरेक्टर मेरे दिमाग में आया वो था बाम्बी, और ये आर्ट फॉर्म मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं बट मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करनी थी। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, परफेक्ट फॉर द डे, क्योंकि आज टाइम बहुत ही कम था एंड मुझे बहुत सारे स्केचेस करने थे, आई थिंक अराउंड 9 to 10, और मुझे साथ में आज आई फ्लू भी हो गया था तो आई वॉज लाइक बस किसी तरीके से निपटाना है आज ये सारा काम। शी इज़ मिराबेल, एंड मैंने ये मूवी देखी नहीं है बट शी लुक्स रियली कलरफुल, आई थॉट शी विल बी परफेक्ट फॉर दिस स्टाइल।
उसके बाद मैंने जंबो को ड्रॉ किया। मैंने बहुत ही सिंपल सा स्केच रखा, सिंपल येट क्यूट। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे नेक्स्ट बनाना क्या चाहिए, लाइक टाइम कम है बनाने के लिए और आइडियाज़ ही नहीं आ रहे क्या बनाना चाहिए। तो मैं कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछ रही थी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि राया एंड द लास्ट ड्रैगन से मुझे बनाना चाहिए। मैं चाहती थी मैं इसे बहुत अच्छा करूँ बट हुआ नहीं। एंड उसके बाद मैंने नॉर्मल सा फ्लावर बना दिया। ये मैंने गूगल से एक फ़ोटो देखी थी एनी में, मैं गर्ल्स बहुत बना चुकी हूँ, बॉयज़ नहीं मैंने बनाए हैं। तो एक नॉर्मल अल्कोहल मार्कर से मैंने ये बनाया। एंड लास्ट स्केच जुविया लॉक्स, स्टार्टिंग में ये बहुत ही टिटली सा कैरेक्टर लगती थी मुझे, बट नाउ शी इज सुपर सुपर क्यूट, स्टिल स्ट्रॉन्ग बट क्यूट। एंड वी आर डन विद द लास्ट पेज। ये एक पुराना अनफिनिश्ड आर्टवर्क था विच इज़ फिनिश्ड नाउ।